नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। बड़ी खबर बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से निकलकर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोगों से बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपील कर डाली है। आकर क्या कुछ बड़ी अपील की है बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोगों से मायावती जी ने, आकर क्या कुछ निशाना साधा केंद्र व राज्य सरकार पर, आज की इस वीडियो में पूरा मामला विस्तार से समझाएंगे। अब बने रहिए इस वीडियो में। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, इस समय देश कोरोना महामारी जैसी बड़ी आपदा से जूझ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इसी सब को ध्यान में रखते हुए अभी अभी दो ट्वीट्स किए हैं। पहले ट्वीट्स में उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधा है और जो कुछ उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं उनको अच्छा भी बताया और लास्ट में उन पर निशाना भी साधा है। वो कैसे, जैसा कि आप लगातार पहला ट्वीट बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें साफ साफ लिखा है कि केंद्र व यूपी सरकार ने कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए तथा ऑक्सीजन व दवाई आदि की कमी को दूर करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए हैं यह अच्छी बात है। यानी कि यहाँ तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बोला है, जो भी कदम उठाए हैं ऑक्सीजन की कमी या दवाई कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए जो भी कदम उठाए हैं वो अच्छी बात है। पर साथ ही आगे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा निशाना साध दिया। उन्होंने बोला है, लेकिन वे सब जमीनी हकीकत में भी समय से लागू होने चाहिए, बीएसपी की ये मांग है। यानी कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो जमीनी हकीकत पर बिल्कुल भी लागू नहीं हो रहा। लगातार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हमारे सामने आ रही है, उसमें कहीं कोई किसी मरीज को जो भर्ती नहीं कर रहा हॉस्पिटल, कोई कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है तो इससे दम तोड़ते जा रहे हैं मरीज। तो साथ ही इन सब को ध्यान में रखते हुए मायावती ने ये बोला है, जो भी आप कदम उठा रहे हो केंद्र व राज्य सरकार जो भी कदम उठा रही है वो जमीनी हकीकत पर भी हमें दिखाई देने चाहिए। आगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दूसरे ट्वीट में जो कुछ भी लिखा है, आप दूसरा ट्वीट भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि देश भर से जो बहुजन समाज पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं वो ध्यान दें, वो कोरोना पीड़ितों की हर संभव मदद करें और मदद करते वक्त अपना भी ख्याल रखें और जो कोरोना के जो नियम हैं उनका भी पालन करें और अपना भी बचाव सबसे पहले करें और जो भी आपके आड़ पड़ोस में जो भी कोरोना पीड़ित हैं जो भी मरीज हैं उनकी हर संभव मदद करें बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से ये भी बोला है कि आप अपने कामों को जमीनी हकीकत पर दिखाई है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बहुजन समाज पार्टी से जो देश भर से लोग जुड़े हुए हैं उनसे बड़ी अपील भी कर दी। उन्होंने बोला कि जो भी परेशानी में हैं कोरोना पीड़ित व्यक्ति उनकी हर संभव मदद करे बसपा से जुड़े हुए लोग। तो साथ ही यही थी सबसे बड़ी खबर। ये बड़ी खबर आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना। बहुजन समाज की प्रमुखता से खबर दिखाने वाले भीम मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय भारत।